झारखंड सुनते ही नोटों के पहाड़ देखने को मिलते हैं। वो अफसर जेल में है, वो मुख्यमंत्री जेल में सड़ रहे हैं, वो इनकी सच्चाई पूरा देश जान गया है। कांग्रेस और जामुमो वालों ने अपने घरों में काली कमाई का अंबर लगा रखा है। झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, इधर भी बोलो, उधर भी बोलो, खड़े खड़े बोलो, नाच नाच के बोलो, झूठी बोलो। मेरे प्यारे भाई बहन, ये देश का भविष्य कैसे तय होगा, मैं आपसे पूछता हूं। चुनाव में देश की अर्थव्यवस्था पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जरा पूरी ताकत से मुझे बताइए। जमशेदपुर के लोग, पूरा देश आपको सुनेगा। चुनाव में देश की अर्थव्यवस्था की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चुनाव में उद्योगों, लघु उद्योगों की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों, चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चुनाव में कृषि और वन उपज की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चुनाव में युवाओं के लिए बनते नए अवसरों की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? चुनाव में हाईवे, एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन कांग्रेस वाले जामुमा वालों को इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। इन्हें विकास का कख गग भी मालूम नहीं आया। और इनका तरीका क्या है? झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, इधर भी बोलो, उधर भी बोलो, खड़े खड़े बोलो, नाच नाच के बोलो, झूठी बोलो। और इनके मुद्दे क्या है? गरीब की संपत्ति का एक्सरे करेंगे, उसे छीनेंगे, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीनेंगे, मोदी जी को रोज नई नई गालियां देंगे। क्या इससे ज्यादा आगे ये सोच ही नहीं सकते क्या? इंडिया अलायंस वाले आपसे झूठ बोलते हैं। इनकी सच्चाई पूरा देश जान गया है, इसलिए पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, फिर एक बार। साथियों, झारखंड जैसा राज्य खनिज संपदा में इतना अमीर है, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी यहां इतनी गरीबी क्यों है? दुर्भाग्य देखिए, आज झारखंड शब्द आपके कान पर पड़ेगा, झारखंड का नाम सुनते ही कौन सा दृश्य सामने आता है? एक ही दृश्य सामने आता है, नोटों के ढेर। झारखंड सुनते ही नोटों के पहाड़ देखने को मिलते हैं।
याद करो हर पल भाई कौन झारखंड। अच्छा अच्छा वो नोटों के ढेर पकड़े गए थे वो अफसर जेल में है, वो मुख्यमंत्री जेल में सड़ रहे हैं वो। भाइयों बहनों, सामान्य मानवी को गरीब रखकर कांग्रेस और जामुमो वालों ने अपने घरों में काली कमाई का अंबर लगा रखा है। साथियों, कांग्रेस जामुमो और आरजेडी जैसी पार्टियों ने हमारे झारखंड को हर मौके पर लूटा है और कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस ने 2G घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, अनगिनत घोटालों में कांग्रेस ने लूट के रिकॉर्ड बनाए। आप आरजेडी को देखिए, नौकरी के बदले गरीब से जो बेचारा 2 टाइम की रोटी के लिए नौकरी तलाशता था, ऐसे गरीब की जमीन लिखवा ली, गरीब से जमीन छीन भी ली और बदला में नौकरी का वादा किया। जामुमो ने यही गुण, वही आदतें, वही चरित्र कांग्रेस से और आरजेडी से सीखा है। जामुमो ने झारखंड में जमीन घोटाला किया और इन लोगों ने किसकी जमीनें हड़पी? हमारे गरीब आदिवासियों की जमीनें हड़पी, सेना की जमीन तक हड़पने की कोशिश की। सेना की जमीन हड़पना मतलब चोरी करने की आदत कितनी भयंकर होगी, इसका ये उदाहरण है। मैं आपसे पूछता हूं, इनके घरों से जो नोटों के पहाड़ बरामद हुए हैं वो पैसे किसके हैं? आपका है कि नहीं है? इसके मालिक आप है कि नहीं है? ये आपके बच्चों का हक का पैसा है कि नहीं है? ये आपका पैसा है। भोले भाले मेरे आदिवासी भाई बहनों का पैसा है, दलितों का, पिछड़ा का पैसा है जो इन लोगों ने लूटा है। आप मुझे बताइए, क्या ये लोग अपनी इस काली कमाई में से 1 भी रुपया आपके बच्चों को देते क्या? और ये लूट करते हैं ना तो क्या कहते हैं? अरे भाई अरबों खरबों लूट लेंगे और वकील को क्या है, अरे जो चाहिए दे देंगे, अदालत से निकल जाएंगे और फिर तो मौज ही मौज है। यानी वकील के लिए भी आपका चोरी का पैसा, ये खेल है इनका। लेकिन मोदी इन बेईमानों के ठिकानों से पैसा बरामद करवा रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।